पिछले सोमवार का लगभग 2 बजे के आसपास ये घटना हुआ था। थाना इंदिरापुरम अंतर्गत नितिकन क्षेत्र में ये कलेक्शन एजेंट के साथ लगभग 14-15 लाख लूट हुआ था। और लूट होते ही तुरंत में घटनास्थल पहुंचा हम और हमारा मेरा सबॉर्डिनेट एडिशनल एसपी सीओ सभी लोग मौके पर पहुंचा। उसके बाद घटना निरीक्षण करने के बाद मेरी टीम गठित की है, एडिशनल एसपी टू और सीओ इंद्रावन के नेतृत्व में टीम गठित की है। टीम ने मेहनत किया पिछले एक सप्ताह में लगातार मेहनत किया, हमने कई एंगल पर काम किया, टेक्निकल एविडेंसेस और साथ साथ मैन्युअली भी हमने काम किया। वो दोनों मैन्युअल इंफॉर्मेशन और टेक्निकल दोनों से मिला के ये निष्कर्ष पहुंचा हम लोग ने। इस पर एक आदमी ने सूचना दिया था, यह ग्रोवर्स लिमिटेड में काम करने वाला एक लड़का ने, यह जो राइडर तरफ से काम करता है, यह घर पर जाके सामान डिलीवरी करता है, डिलीवरी बॉय है, उसने इस घटना का पूरा का योजना बनाया और उनके साथी जो उनके दोस्त लोग से मिलकर पहले भी एक बार प्लान किया था उसी के अनुसार उस दिन घटना बनाने कार्य किया। जो सबसे पहले जो लड़के जो सचिन और रितीश ने गोविंदपुरम थाना कविनगर क्षेत्र में जाके जो पहले वसूली किया था वो लड़का, उनका पहले वहाँ पे पहचान करा रहे जो ग्लोबल लिमिटेड काम कर रहा हूँ लड़का ने जो कलेक्शन एजेंट के पहचान किया। और उसके बाद जो सचिन और नीतीश और कनिष्ठ तीनों लड़के ने उसके पीछे लोगों ने कराया, पीछे करते आखिरी 2 बजे के आसपास उन्होंने घटना खारिज किया। और घटना खारिज करने के बाद लोग वहाँ से उन्होंने भाग किया, नोएडा क्षेत्र में भाग किया, बाद में लोगों ने वहाँ से निकल चुके हैं, निकल के बाद में कहीं घूमते भी आए, ऋषिकेश वगैरह घूम के आए, बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कार पर पूरा एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम लोग को इनके बुक भी सूचना मिला है और एविडेंस के आधार पर इन लोगों ने कल उन्होंने गिरफ्तारी किया। गिरफ्तारी करते समय उनसे सेंटर ऑफ कार में उन लोग मिला है तीनों लोग और उन लोग उस पर पैसा का बांटने के लिए जा रहा था लोग, उसी समय उन लोग पकड़ा है और उनसे लगभग 12,04,000 रुपये हमने रिकवरी किया है। और उसके साथ साथ जो लूट प्रयास हुआ था प्रयोग हुआ जो गाड़ी मोटरसाइकिल भी रिकवरी किया और लूटने के लिए उन्होंने यूज़ किया था एक डंडा वो भी रिकवरी किया, उसके साथ जो तमंचा हुआ उन्होंने यूज़ किया था वो भी रिकवरी किया पुलिस ने। सर ग्रोफर पे काम करने वाला जो युवक है जिसको अभी आप नहीं बता रहे हैं तो वो इन लोगों किस तरीके से जानता था, क्या इनके आसपास रहने वाला था पहले से? इस पर 3 लड़के तो वहाँ पे सभी लोनी थाना क्षेत्र के सभी लोग हैं, इन लोग पहले के लिए एक दूसरा को जानता था और पहले योजना करते में जो पिछले सप्ताह 6 तारीख भी उन्होंने एक बार घटना करने के लिए एक बार रेकी भी कराया था जो किस रोड पर ये लड़का कलेक्शन एजेंट जा रहा आ रहा है और किस दुकान में जा रहा है उसके बारे में पहले भी एक बार रेकी कराया था। उसके आधार पर उन्होंने कहा ये पहले दोनों एक दूसरा को जानता था। सर पकड़ा गया जो है बदमाश कशिश कनिष्क, इसके पिताजी जग्गू पहलवान,